जय यीशु। आज हम विशेष रूप से आपको आमंत्रित करने आए हैं कि आप आदरणीय बाबा जी के प्रवचनों को सुने जो कि यीशु मसीह की शिक्षा पर आधारित हैं, और हमारी आशा है कि आप विशेष रूप से आज बहुत आशीष पाएंगे। जय यीशु। जय यीशु। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए, और ख़ास तौर से क्रिसमस सीजन के लिए, जो बड़े दिन का जो वक्त है, जो समय है, क्रिसमस का सीज़न है, सेलिब्रेशन का सीज़न है। इस सीज़न में हम लोग मसीह यीशु के जन्मोत्सव को मनाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में 2019 साल पहले आए और इस संसार को, इस दुनिया को उद्धार देने के लिए मुक्तिदाता के रूप में मनुष्य की शक्ल सूरत में पैदा हुए। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने पहला इंसान, पहला मानव जब बनाया था पृथ्वी पर, तो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया। उत्पत्ति के 2 अध्याय उसके 7 पद में लिखा, तब परमेश्वर यहोवा ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 7वां पद लिखा है, परमेश्वर यहोवा ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और उसी में पहले अध्याय उसके 26-27 पद में लिखा, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। और 26 पद में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता में बनाएं। तो पहला मनुष्य जब आदम को बनाया परमेश्वर ने मिट्टी से, और उसके नथनों में सांस फूंका और वो जीवित प्राणी बन गया। वो प्राणी ऐसा था जो परमेश्वर की समानता और स्वरूप में था। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है कि परमेश्वर ने हम सबको, हर एक मनुष्य को, किसी देश का क्यों न हो, किसी जाति, किसी धर्म का क्यों न हो, कहीं का गरीब हो, अमीर हो, कैसा भी मनुष्य हो, सबका सृष्टिकर्ता एक है। हालेलुया। सृष्टिकर्ता, बनाने वाला एक परमेश्वर है, और उसी परमेश्वर ने हम सबको अपनी समानता, अपने स्वरूप में बनाया है। लेकिन हुआ क्या, उसी दौरान जब परमेश्वर ने हमें बनाया, हमें अपना आत्मा दिया, हमारे अंदर अपना प्राण दिया, अपनी शक्ति दी, अपना जीवन दिया, हमारे अंदर परमेश्वर का जीवन था, हम लोग ईश्वर के पुत्र और पुत्रियां थे, अचानक क्या हो गया, आदम और हव्वा बागे अदन में अचानक बहका दिए गए। शैतान, जो इबलीस कहलाता है, जो दुष्ट फरिश्ता है, उस दुष्ट फरिश्ते ने सर्प के रूप में आकर अपनी आदि माता हव्वा को बहकाया और उसको कहा कि परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने को प्रेरित किया। उसने क्या करा, उससे कहा कि देखो, क्या तुम्हें परमेश्वर ने इस बाग के सब फलों को खाने को मना किया, जबकि परमेश्वर ने केवल एक फल को वर्जित किया था, वो था भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष के फल को वर्जित किया था कि इसको मत खाना। और वो बागे अदन में लगा हुआ था, जीवन का वृक्ष भी लगा हुआ था, उसके लिए मना नहीं किया था, जीवन के वृक्ष को खूब खाने को कहा गया था, खूब खाइए, आनंदित रहिए, आशीषित रहिए, फलवंत रहिए, फूलिए फलिए, खूब फलिए फूलिए, लिखा हुआ है। परमेश्वर ने आशीष दी और कहा, फलो फूलो और पृथ्वी भर में भर जाओ, फूलो और फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। यानी परमेश्वर ने मनुष्य को आशीष दी कि फूलो और फलो, खूब फूलो फलो और पृथ्वी को अपने वश में कर लो, अपने वश में कर लो। यानी इस पृथ्वी को हमें शैतान के वश में नहीं देना है, दुष्ट के वश में नहीं देना है, परंतु अपने वश में इसको लेना है, जो कि परमेश्वर की इच्छा है।
परमेश्वर की इच्छा है कि हम पृथ्वी को अपने वश में करें और उसको किसी दूसरे के वश में न करें। परमेश्वर की इच्छा जानने की ज़रूरत है आपको। अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को समझ लें। परमेश्वर आपके जीवन में क्या चाहता है इसको समझ लें। परमेश्वर आपको प्रेम करता है क्योंकि आप परमेश्वर की सांस से पैदा हो, उसके मुंह की सांस के द्वारा हमारी उत्पत्ति हुई है। इसलिए किस मनुष्य को अपनी सांस से प्रेम नहीं है? ज़रा सा घुटन होने लगे जीवन में, ज़रा सा जुकाम और खांसी हो जाए, सांस लेने में तकलीफ हो जाए तो आप परेशान हो जाते हैं एकदम, क्योंकि ये सांस आपके लिए बहुत ज़्यादा बेशकीमती है। इस सांस को आप पसंद करते हो, ये सांस आपका जीवन है। ये सांस बंद हो जाए तो मनुष्य को मरा हुआ क्या डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये मर गया, इसकी सांस चली गई, कहाँ चली गई? प्रभु का पर सांस था, प्रभु के पास चला गया। आत्मा उसी का है, आत्मा के पास चला जाता है और प्राण मनुष्य की देह को छोड़ देता है। ये बहुत सच्चाई है। परमेश्वर ने हमें मरने के लिए नहीं बनाया, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन के लिए बनाया, हमें बहुतायत के जीवन के लिए बनाया, हमेशा की जिंदगी के लिए बनाया। परमेश्वर ने हमें अपनी समानता और अपने स्वरूप में रचा है, एक सच्चाई है। और हमने अपने आप को पहचाना नहीं है। हम अपने आप को पहचान लें कि हम हैं कौन। हम परमेश्वर की समानता में और उसके स्वरूप में बनाए हुए व्यक्तित्व हैं, व्यक्ति हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। हम परमेश्वर की समानता और उसके स्वरूप में बनाए हुए व्यक्ति हैं और परमेश्वर की सांस हमारे अंदर है। उसने हमें अपनी सांस से बनाया है, प्राण हमारा बनाया है, हमारे आत्मा दिया है, हमें जीवन दिया है। परमेश्वर अपनी सांस से बेहद प्रेम करता है और इसलिए चाहता है कि कभी ये बंद न हो। हालेलुया, ये सांस कभी बंद न हो। परमेश्वर की इच्छा है हमेशा आप अच्छी तरह से सांस लेते रहो। परमेश्वर की इच्छा है जीवन की इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा मृत्यु की नहीं है, जीवन की है। और इसीलिए जीवन देने वाला परमेश्वर जब देखा कि मनुष्य अपने आप में गुनाह में गिरने के कारण पाप में फंसकर मरता और विनाश होता चला जा रहा है, तब परमेश्वर ने तमाम भविष्यवक्ताओं को भेजा, तमाम नबियों को भेजा जिसमें बाइबल भरी हुई है। उन नबियों ने शिक्षाएं दी, नबियों ने मार्ग बताया, नबियों ने कहा देखो ये मार्ग है, ईश्वरीय मार्ग ये है, ये आज्ञाएं हैं, इन आज्ञाओं पर तुम चलो तो भला होगा तुम्हारे लिए, तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा, तुम जीवित रहोगे, तुम परमेश्वर की आशीष पाओगे। यदि उसकी आज्ञाओं पर चलोगे तो आशीषित रहोगे, यदि आज्ञाओं को तोड़ोगे तो श्रापित हो जाओगे। ये श्राप आज्ञाओं को तोड़ने वाला आदम से चला आ रहा है और ये श्राप था परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने के कारण मृत्यु जीवन में आ गई, मौत आ गई। पाप का दंड तो मृत्यु है मेरे प्रियो, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। ये अनंत जीवन खुदाबंद यीशु मसीह में आया है और ये खुशखबरी है, ये बड़ी खबर है, ये छोटी खबर नहीं है। इसको तो अखबारों की हेडलाइन होना चाहिए कि यीशु मसीह दुनिया का नजात दहिंदा 25 दिसंबर को जन्मा है। हालेलुया, ये तो अखबारों की हेडलाइन होना चाहिए लेकिन है नहीं। हम दुनिया की खबरों को लिख देते हैं, संसारिकता की खबरों को, विनाश की खबरों को सुनते हैं, लेकिन संसार को बचाने की खबर, मुक्तिदाता के आने की खबर हम यीशु दरबार के माध्यम से पूरी दुनिया को सुना रहे हैं। हालेलुया, ये मुक्तिदाता
परमेश्वर का प्रेम इसमें प्रकट हुआ है। परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा। यूहन्ना के 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को दे दिया, कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में नाश करने के लिए नहीं परंतु जगत को बचाने के लिए भेजा है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह 2019 साल पहले इस दुनिया में बैतलहम नगर में पैदा हुआ था, मनुष्य के रूप में जन्मा और उसके लिए भविष्यवाणियां हुई तमाम कि किस प्रकार से वो एक क्वारी गर्भवती होगी, एक पवित्र आत्मा साया करेगा उसके ऊपर और जो पवित्र उसके गर्भ में आएगा वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मनुष्य के रूप में तो परमेश्वर आया है, उसने देखा कि मनुष्यों का उद्धार आज्ञाओं को मानने से नहीं हो पा रहा है, मनुष्य आज्ञाएं मान नहीं पा रहा है, मनुष्य आज्ञाओं पर चलकर पूर्ण नहीं कर पा रहा है, इसलिए श्रापित अवस्था में रह रहा है, उसे अनंत जीवन नहीं मिल पा रहा है। और इस अनंत जीवन और बहुतायत के जीवन को देने के लिए परमेश्वर को स्वयं मनुष्य बनना पड़ा, स्वयं देह धारण करनी पड़ी और देह धारण करके नाम यीशु रखा, एक क्वारी के माध्यम से जन्म लिया, पूरा शरीर धारण किया और भले काम किए। कोई भी ऐसा काम नहीं किया यीशु मसीह ने जिसको हम कह सकते हैं उन्होंने बुरा किया हो, उन्होंने कोई गलत शिक्षा दी हो, ऐसा इतिहास में नहीं है। पूरा इतिहास इस बात का गवाह है कि यीशु मसीह ने दुनिया के नजात का पैगाम दिया, परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया, उन्होंने अंधों की आंखें खोली, उन्होंने बहरों के कान खोले, उन्होंने गूंगों को जुबान दी, लंगड़ों को चलाया, बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, मुर्दों को जिंदा किया। यीशु मसीह ने सारे भले काम किए और अपने शरीर से अपने मुंह से तक पाप नहीं किया, क्योंकि उन्होंने गाली के बदले किसी को गाली नहीं दी, श्राप के बदले किसी को श्राप नहीं दिया, परंतु सिखाया कि बुराई को भलाई से जीतो। हालेलुया, बुराई को भलाई से जीतो यीशु ने सिखाया। कि दुनिया तुम्हें बता रही है कि दुश्मनों से दुश्मनी रखो और अपने पड़ोसियों से प्रेम करो, परंतु यीशु ने कहा, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, तब तुम परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र कहलाओगे, जो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है, जो धर्मी और अधर्मी दोनों पर अपना मेह बरसाता है। सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है प्रेम में। प्रभु कह रहे हैं, अगर तुम अपने नाते रिश्तेदारों से प्रेम करते हो तो क्या बहुत बड़ा काम करते हो, दुष्ट लोग भी ऐसा करते हैं। अगर तुम अपने पड़ोसियों से सलाम करते हो कौन बड़ा काम करते हो। प्रभु कह रहा है, अपने दुश्मनों से प्रेम करो। ये सीमा, दुश्मनों से प्रेम करने वाली सीमा बहुत बड़ी है, बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। कोई आपसे बुरी तरह बोले और उसको आप प्रेम करें, कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करे और उसके साथ आप प्रेम करें, उसे आप माफ करें, ये तो बहुत कठिन है मनुष्य के लिए। मनुष्य शरीर में रहकर नहीं कर पाएगा और इसीलिए परमेश्वर को शरीर धारण करना पड़ा, मनुष्य का चोला पहनना पड़ा, ताकि जो मनुष्य नहीं कर सकता वो काम मनुष्य के स्थान पर परमेश्वर स्वयं मनुष्य बनकर हमारे लिए कर दे, वो सारी आज्ञाएं मान ले हमारे लिए, सारे विचारों सारी आज्ञाओं पर चलकर हमारे वास्ते वो दुख उठा ले, यानी बुराई को बुराई से नहीं बुराई को भलाई से जीते। और आशीष देते हुए पूरी दुनिया के लिए अपने आप को कुर्बान कर दे, क्योंकि पाप का दंड तो मृत्यु है परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में
अनंत जीवन है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा हुआ है बाइबल में कि वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी ताकि उसके कोड़े खाए जाने से हम चंगे हो जाएं। यीशु क्रूस पर टंगे हुए थे, उनके हाथों में कीले ठोक रहे थे लोग, उनके पैरों में कीले ठोक रहे थे, पसली में भाला, पीठ पर कोड़े, कांटों का ताज सर पर लगा हुआ है। और यीशु कह रहे हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह सच कह रहे हैं, आज भी दुनिया के लोग यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। आज भी यीशु मसीह की यही प्रार्थना है कि हे पिता इन अनजान लोगों को, इन बेगाने लोगों को क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि परमेश्वर का पुत्र और दुनिया का उद्धार करता मैं ही हूं, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं, और बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, कोई परमेश्वर पिता के पास नहीं पहुंच सकता, किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती, किसी को उद्धार नहीं मिल सकता। इतनी बड़ी खुशखबरी अगर किसी एक रिलीजन में दबा कर रख दी जाए तो महापाप होगा, ये महापाप होगा उन रिलीजन के लोगों के लिए, महापाप होगा ये। अगर इतनी बड़ी खुशखबरी को दबा दिया जाए कि यीशु मसीह का जन्म ईसाइयों का त्यौहार है तो समझ लो ये महापाप है। केवल ये सोच लिया कि ये तो ईसाइयों का त्यौहार है, मैं समझता हूँ ये सारे जगत के लिए मुक्तिदाता का जन्म पूरी दुनिया के लिए है, किसी एक धर्म के लोगों के लिए नहीं है, एक देश के लोगों के लिए नहीं है, एक प्रकार के लोगों के सबके लिए है, क्योंकि बाइबल में ऐसे लिखा है ये सुसमाचार सब लोगों के लिए है कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, यानी मसीह यीशु मुक्तिदाता। हालेलुया, तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और ये खुशखबरी सारी दुनिया के लिए है। इस दुनिया को हमें इस खुशखबरी को सुनाना है ताकि हमें बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी प्रेजुडिस के ये खुशखबरी पूरी दुनिया को सुनाना चाहिए ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पा जाएगा। विश्वास से अनंत जीवन है। आमीन, हालेलुया, जय यीशु। मैं तुम्हें मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा, मेरे पीछे आओ चलो। वे तुरंत जाल छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए, यीशु के पीछे हो लिए। हैया हैया रे हैया, हैया हैया रे हैया। मेरे बन मेरी सुना, भजन मन मेरे यीशु नाम, मन तू पुकारे यीशु नाम, प्रभु यीशु नाम पुकारे, प्रभु यीशु नाम पुकारे। भजन मन मेरे यीशु नाम, मन तू पुकारे यीशु नाम, प्रभु यीशु नाम पुकारे, प्रभु यीशु नाम पुकारे, प्रभु यीशु नाम पुकारे।
जमीन पे गडरियों को दिया इशारा, पैदा हुआ है मुंजी जो मिलेगा तुम्हें एक गोशाला। फरिश्तों ने आके जमीन पे गडरियों को दिया गौशाला। चरवाहों ने भी उसको सिजदा किया, चरवाहों ने भी उसको सिजदा किया। खामोश रातों की ठंडी हवाओं से आई फरिश्तों की मीठी आवाज, पीछे मजूसी भी सर को झुका के शिक्षक यीशु को ही माने। देखो वो पूरब दिशा से आए थे तारे के पीछे मजूसी भी सर को झुका के शिक्षक यीशु को ही माने। बुद्धिमानों ने भी उसको सिजदा किया, बुद्धिमानों ने भी उसको सिजदा किया। जय यीशु। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो कि आज आपने बाबा जी के वचनों को सुना, यीशु मसीह के वचनों के ऊपर जो आधारित हैं, और आशीष पाई है। हम आपको चार पुस्तकों के बारे में बताना चाहते हैं। पहली पुस्तक है मुक्ति मार्ग, जो कि यीशु मसीह के संदेश को संक्षेप में बताती है। दूसरी पुस्तक है तुम मुझे क्या कहते हो, इसमें यीशु मसीह कौन है उनके बारे में आप जान सकते हैं। तीसरी पुस्तक जिसको कि हम कहते हैं यीशु का पुनरुत्थान, क्या यीशु मसीह जी उठे, यदि जी उठे तो किस प्रकार से हम ये प्रमाणित कर सकते हैं। और अंतिम पुस्तक जो हम आपको दिखाना चाहते हैं वो मानव मुक्ति दिवस, अर्थात यीशु मसीह का जन्म वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, और उसके जन्म के क्या कारण थे, इसमें आपका पूरी तरीके से ऐतिहासिक वर्णन पाया जाता है। उसी के साथ साथ हम आपके सामने बाबा जी की पुस्तक, जिसको कि हम यीशु दरबार भजन बताते हैं, इसके साथ साथ आपको उन गानों की ये सीडी मिलेगी। आप इनको मुफ्त प्राप्त कर सकते हैं। आप हमसे ज़रूर संपर्क करिए। संपर्क करने का तरीका क्या है, बहुत आसान है। आप अपने सेलफोन पर जाइए और वहाँ पर यीशु दरबार जो यूट्यूब में चैनल है उस पर जाइए, यूट्यूब में जाइए, वहाँ आप टाइप करिए यीशु दरबार .org, और जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको यीशु दरबार चैनल मिलेगी। यीशु मसीह के नाम में आमीन। जय यीशु। प्रभु मुझे ले चल, प्रभु मुझे ले चल सतगुरु पास, सतगुरु में है आनंद का वास। प्रभु मुझे ले चल सतगुरु पास, सतगुरु